नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम RGPB एग्ज़ाम 2020 के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, जिसमें RGPB के जो एग्ज़ाम का नया फैसला आया है, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के रिलेटेड है, तो पूरा जो नियम है क्या है उसी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि विरोध के बावजूद ऑनलाइन परीक्षा कराने पर अड़ा RGPB। यानी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि RGPB भोपाल का जो फाइनल ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम अभी रुका हुआ है, उसके कई विरोध हुए, उसके बावजूद फिर भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए RGPB अपना निर्णय लिया है। तो उसमें दोस्तों, उसके द्वारा एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन कराने पर अड़ गया है। इसके लिए RGPB ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, जबकि छात्रों का कहना है कि उनके पास ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए पर्याप्त संसाधन जैसे लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई डिवाइस आदि नहीं हैं। RGPB ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए पहले परीक्षा फॉर्म में छात्रों से सहमति मांगी थी, जिसमें करीबन 80% छात्रों ने ये सेलेक्ट किया था कि वो पेन और पेपर मोड यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे, लेकिन RGPB ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 7 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 15 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी यानी चलेंगी। इसके बाद ऑनलाइन ही जो उनकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसको भी लिया जाएगा। यानी दोस्तों, देख सकते हैं कि जैसे कि राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूरी तरीके से अब ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो छात्र छात्राएं हैं वो कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि RGPB के अंतिम सेमेस्टर की सभी विषयों में करीबन 40,000 छात्र शामिल होंगे, किंतु दोस्तों लगभग इनमें से 32,000 छात्र स्पष्ट तौर पर यानी वो ऐसे छात्र हैं जो कि ऑनलाइन परीक्षा देने से इनकार कर चुके हैं, किंतु फिर भी RGPB अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन कराने के लिए अड़ा हुआ है, जिससे ऐसा लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम अब ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन हालांकि RGPB प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जो छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उनके लिए अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी दोस्तों उनके लिए विशेष परीक्षा की भी आयोजित की जाएगी। फिलहाल यह तय नहीं है कि वह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन किस मोड से होगी। गौरतलब है कि इससे पहले RGPB ने पेन पेपर मोड की सभी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन राज्य शासन के आदेश के बाद यह सभी परीक्षाएँ कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन फिर RGPB एक बार ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए अड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब छात्रों का जो प्रश्न पत्र का पैटर्न होगा कुछ इस प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र में 40 वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से 20 प्रश्न 1 अंक के होंगे और 15 प्रश्न 2 अंक के होंगे, जबकि 5 प्रश्न 4 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए छात्रों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में से पहले 2 बार छात्रों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें से छात्र अपने से मॉक टेस्ट में ज्वाइन करके एग्ज़ाम किस प्रकार से लिया जाएगा पूरा डिटेल वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, RGPB प्रशासन का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए छात्रों के पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट या जो भी उन इक्विपमेंट हैं जिससे एग्ज़ाम लिया जा सकता है वो होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एग्ज़ाम लिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे कमेंट करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।